यहाँ पे इतनी भीड़ है और ये जो भाई साहब बाइक पे सोए हुए हैं इनका ही एक्चुअली हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही होंगे। तो आज का नया डे, नया व्लॉग के साथ मैं हूँ रेडी और ये भी है रेडी। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट। अब मैं तो घर पे था, तो मुझे पता नहीं उतना कि कैसे हुआ, लेकिन मैं जब आ रहा था इधर तब एक आदमी को देखा सोया हुआ है बाइक पे उलट के। क्या किया उसने? कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए जरा हमें। साइकिल वाला था, वो बर्तन लेके जा रहा था बेचने के लिए, तो साइड में जा रहा था। अरे बाइक वाला पिया हुआ था, तो वो साइकिल इस पोजीशन में रखा था, इसलिए उसको मारा तो खेत में घुस गया। अगर इस पोजीशन मारता तो बीच रोड में गिरता, गाड़ी आता, मार देता उसको। लेकिन नहीं, वो उसको मारा खेत पे, वो साइकिल वाला रोड का उस पार ही उधर खेत में घुस गया और बाइक वाला आके यहाँ पे उल्टा। तो वहीं पे उल्टा हुआ ही है, अभी वहीं पर उल्टा है और अब वहीं पे सोया हुआ है। आपको दिखाएंगे, आपको जल्दी दिखाते हैं। वो वहीं पे उल्टा हुआ भी है, सोया हुआ भी है। तो आज का हम कहाँ जाने वाला है? हम रदी जाने वाला है ना। कितने बजे निकलेंगे? अभी निकलेंगे, तुरंत अभी निकलेंगे, कुछ देर में फ्रेश होकर रेडी होकर निकल जाएंगे। तो गाइस, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अपना भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग का इंटरेस्टिंग चैनल साजिद सेरीहन। तो फिर मिलते हैं, जो रेडी हमारे साथ। यहाँ पे इतनी भीड़ है और ये जो भाई साहब बाइक पे सोए हुए हैं इनका ही एक्चुअली ये वो साइकिल वाले जिनको ठोका गया है बाइक से, और ये वो भाई साहब यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ जमी पड़ी है। ये मेन रोड आ चुके हैं आमलादेही में और मेरा फ्रेंड गया अभी वो स्वीट होम में, और यहाँ हम वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे बाकी की दो और स्वीट होम, उसके बाद सीधा वहाँ से जाएंगे घर। तो मैं गया था चिकन लाने के लिए भी गया था आज, तो चिकन भी लेकर आया। थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे जिनके पास चिकन लाने गया था उनके पास चिकन था नहीं, उनके पास माल आने वाला था, तो वो आया फिर मुझे उन्होंने दिया, तो थोड़ा डिले हो गया इस चक्कर में। तो अभी हम लोग मीजाम तो आमलादेही तो आ चुके हैं मीजाम से, और फिलहाल तो और दो तीन स्वीट होम जाना है। देखते हैं आज क्या है, कितना टाइम लगता है। संडे आज, लेकिन बाज़ार फिर भी बंद है। हम शायद जल्दी आ चुके हैं, उसके बाद आज का दिन तो ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। देखते हैं कैसा है, दिखाएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं आज। सो गाइस, आमलादेही में हमारा हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं कुसुम कनाली, जो कि बोला को वहाँ पे पैसा देने हैं किसी को, जहाँ से वो स्टॉक लेता है। तो अभी उनके मामा मिल गए थे, तो वो बाइक से उतर के गया हुआ है उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे कुसुम कनाली, और वहाँ से फिर एक लास्ट स्वीट हम बचता है, वो है सेंस स्वीट, न्यू सेंस स्वीट। तो वहाँ से हमको पैसे कलेक्ट करना है, उसके बाद सीधा हम घर जाएंगे। और कल का कुछ ब्लॉगिंग का शायद हम फिर से कोई दूसरी बिल्डिंग में जाने वाले हैं, जो कि खंडर टाइप का, ये बहुत पुराना है, सालों से बंद है। तो हम कल वहाँ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक, देखते। तो फिलहाल तो घर जाएंगे, आज चिकन चबाएंगे, मतलब दबाएंगे। संडे है ना, इसे चिकन खानी पड़ेगी, और गर्मी तो अच्छी खासी लग रही है। देखते हैं वो कब तक आता है, उनके मामा है तो वो उसी से बात कर रहा है, तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ वो कब तक आता है। मैंने जैसे ही कहा था कि हम जाने वाले हैं कुसुम कनाली, तो हम कुसुम कनाली से होके वो लास्ट स्वीट होम भी होकर हम घर आ चुके हैं। और अभी तो फिर मैं नहा चुका हूँ, अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे दोपहर के दो। तो अभी मैं खाना खाऊँगा, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट, फिर शाम में कहीं निकलेंगे। तो आज का देखते हैं शाम में कहाँ जाना होता है आज हमारा। फिलहाल दोस्तों से ही मिलेंगे, और कुछ और भी बहुत सारे काम है, कुछ बिजनेस करने का कुछ सोच रहा हूँ, तो उसका भी दिमाग में लगाना है थोड़ा, कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं कर सकते। तो वो भी सोचता हूँ, रेस्ट भी करता हूँ, खाना भी खाता हूँ। आप लोग भी, उम्मीद है आप लोग खाना खा ही चुके होंगे, तो अगर खाना नहीं खाए हो तो खाना आप लोग भी खा लो, क्योंकि टाइम हो चुका है। ज़्यादा वेट, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, पहले खाना खा लो फिर बाकी का कुछ काम करो। तो फिर मिलते हैं शाम में खाना वीना खाने के, रेस्ट करने के बाद। अभी मैं आया हूँ बाहर, और फिलहाल तो बोला आया नहीं है, उसने कॉल किया था कि वो आने वाला है। और अभी मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, जो कि किस में आता है, एमएक्स प्लेयर में आता है, जिसका नाम है तेनाली रामन। आप लोगों को तो पता ही होगा तेनाली रामन कौन थे और कहाँ के थे। तो मैं वो वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, वो बहुत ही मज़ा आता है, एकदम गजब का लगता है, और मतलब अच्छा ही है। तेनाली रामन का बात ही अलग है, क्या दिमाग पाया है, तो हर चीज़ का तोड़ निकालता है गजब का, तो वो मज़ा आता है देखने में। और वहाँ उसमें जो राजा है वो एकदम सीधा ही बात बोलते हैं कि तुमको ये दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, मतलब सीधा फैसला सुनाने का काम रहता है उनका से, और तेनाली रामन का काम रहता है अपना बुद्धि लगाने का। तो फिलहाल तो आया हूँ मैं इधर खुली हवा में, रोज़ शाम को मैं मतलब इधर ही हवा खाने आ गया हूँ आज, रोज़ भी आता हूँ। तो फ्रेंड तो आने वाला है, फिर जाने वाले हैं मीजाम, तो शायद कन्फर्म नहीं है, जा भी सकते हैं, कुछ काम है,
अभी तक उसका आना हुआ नहीं है। उसने मुझे बहुत पहले फ़ोन किया था कि हम आता हूँ, रुको तुम कहाँ पर है, तो मैंने बोला मैं यहाँ पर हूँ, तो वो आने वाला है लेकिन आया नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक होने वाला है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन कॉल कर लेना जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमको जरूर से जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सब बखैर।